हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस बैंक पीओ एग्ज़ाम में प्री और मेंस दोनों में ही कॉमनली पूछे जाते हैं। पर्टिकुलरली मेंस एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा कॉमनली पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे इस वीडियो क्लास में। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में पूरी एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में होता क्या है, पहले मैं आपको रियल क्वेश्चंस बताता हूँ। और रियल क्वेश्चंस बताने से पहले डायरेक्शंस देख लेते हैं कि डायरेक्शंस किस तरीके से आएंगे। इन ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस एंड इन्फेरेंस इज गिवन इन बोल्ड विच इज़ देन फॉलोड बाय थ्री पैराग्राफ्स। एक एक इन्फेरेंस दिया होगा, एक कंक्लूजन दिया होगा, ठीक है, और उस कंक्लूजन के लिए तीन या चार पैराग्राफ दिए होंगे। इन क्वेश्चंस में तीन पैराग्राफ दिए हैं, और उस कंक्लूजन को किस पैराग्राफ से आप निकाल सकते हैं या निकाला गया है, उस कंक्लूजन को किस पैराग्राफ से निकाला गया है, वो पैराग्राफ एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, या सारे हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका आंसर वहाँ पर बनेगा। यू हैव टू फाइंड द पैराग्राफ फ्रॉम वेयर इट इज़ इन्फर्ड, मतलब जिस पैराग्राफ से उसको इन्फर किया गया है, उसको कंक्लूड किया गया है, वो पैराग्राफ आपका आंसर होगा। चूज द ऑप्शन विद द बेस्ट पॉसिबल आउटकम एज योर चॉइस। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन पाथ है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं रियल क्वेश्चंस। देखिए, ये हैं रियल क्वेश्चंस, आप यहाँ पर रेड कलर में देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर वन, और यहाँ पर एक इन्फेरेंस दिया है। इन्फेरेंस क्या है? इन्फेरेंस है पॉलिटिकल पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन, मतलब पॉलिटिकल पावर जो होती है वो फ्लोज, मतलब निकलती है या उस जगह से बहती है। कहाँ से? फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन। बैरल मतलब जो जो गन का बीच वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, जो मेटल से और वुड से बना होता है, उसको हम बोलते हैं बैरल। तो इसका इसका सारांश क्या निकल रहा है, इसका इसकी समरी क्या निकल रही है? इसकी समरी ये निकल रही है कि पॉलिटिकल पावर जो है वो गन पावर के बेस पर चलती है। अब इस कंक्लूजन को या इस इन्फेरेंस को किन पैराग्राफ से निकाला गया है, ये हम देखते हैं। रिवोल्यूशन बाय पीसफुल मीन्स इज यूजलेस, ओनली एंडलेसली गोज इन सर्कल्स, इट इज एक्सट्रीमली डॉगमेटिक एंड हिस्टोरिकल टू स्टिल बी ए रिफॉर्मिस्ट। इसमें हम रिवोल्यूशन यानी क्रांति की बात कर रहे हैं कि यदि आप रिवोल्यूशन करते हैं, यदि आप रिवोल्यूशन बाय पीसफुल मीन्स, जैसे गांधी जी करते थे रिवोल्यूशन पीसफुल मीन्स के द्वारा, तो वो आज की तारीख में कैसा है? यूजलेस है। एंड एंडलेसली गोज इन सर्कल्स, और वो सर्किल में घूमता रहता है, उसका कोई पर्पस नहीं है। तो यहाँ पर हम रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब इस कंक्लूजन का इस पैराग्राफ से रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं दोज विद द वेपन्स एंड द पावर टू फोर्स देयर विल ऑन पीपल आर द रूलर्स, मतलब जिन लोगों के पास वेपन्स होते हैं और पावर होती है, और उन पावर और वेपन की मदद से वो अपनी विल को, अपनी इच्छा को फोर्स कर सकते हैं लोगों के ऊपर, दे आर द रूलर्स। यानी यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है ये एकदम सही है इससे कनेक्ट होने के लिए, इस इन्फेरेंस से कनेक्ट होने के लिए। अब देखिए आगे इसमें एक एग्जांपल भी दिया है, दिस इज वन रीज़न जूलियस सीजर टुक हिज लीजेंस विद हिम टू रोम। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि जूलियस सीजर ने, जूलियस सीजर के बारे में आपने सुना होगा, तो जूलियस सीजर ने किस तरीके से, लीजन का मतलब होता है बटालियन या रेजिमेंट, अपनी अपनी बटालियन या रेजिमेंट को वो रोम ले गया था। व्हेन ही क्रॉस द रूबीकॉन, एक जगह का नाम है, जब उसने रूबीकॉन को क्रॉस किया, विदाउट देम, मतलब इस रेजिमेंट के द्वारा जिनके पास हथियार थे, वेपन्स थे, विदाउट देम ही वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय हिज पॉलिटिकल एनिमीज, यदि ये इसके पास नहीं होते तो अपने एनिमीज के द्वारा उसको हरा दिया गया होता। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि पॉलिटिकल पावर जो होती है वो बैरल ऑफ ए गन से निकलती है, तो यहाँ पर ये काफ़ी क्लोज है इसके। यहाँ पर हम देखते हैं, इट इज़ ओनली नेचुरल दैट कैपिटलिज्म इज ओवर थ्रोन बाय मीन्स ऑफ आर्म रिवोल्यूशन एज ऑल अटेम्प्ट्स ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म इन फेवर ऑफ द ऑपरेस्ड मासेस आर ओनली ईदर कंसेशन। यहाँ पर एक्चुअली पॉलिटिकल रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर पॉलिटिकल पावर की बात नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं। ये रिलेटेड तो है लेकिन क्लोजली रिलेटेड नहीं है, ये भी रिलेटेड है लेकिन क्लोजली रिलेटेड नहीं है। क्लोजली रिलेटेड इसमें सेकंड वाला जो पार्ट है, ये क्लोजली रिलेटेड है इस इन्फेरेंस के।
तो सेकंड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट हेयर, यानी यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए एक तो आपको फोकस चाहिए, फोकस के साथ इन क्वेश्चंस को करना है, आपकी रीडिंग हैबिट फास्ट होनी चाहिए और लॉजिकल रीजनिंग को आपको अप्लाई करना आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली मेंस एग्जाम में आपसे आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऑटोमेशन प्रूविंग टू बी डेलीटीरियस। डेलीटीरियस एक सिंपल वर्ड है, इसका मतलब होता है हार्मफुल। तो इंडस्ट्री में या जॉब सेक्टर में जो ऑटोमेशन हो रहा है, जो कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, वो हानिकारक है। ऑटोमेशन प्रूविंग टू बी डेलीटीरियस, डेलीटीरियस का मतलब होता है हार्मफुल। अब ऑटोमेशन जो है वो डेलीटीरियस क्यों है, हार्मफुल क्यों है, तो जिस पैराग्राफ में इसके रीजंस बताए गए होंगे वो पैराग्राफ इससे कनेक्ट हो जाएगा। यहां पर हम देखते हैं, अ लिटिल ओवर 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले, देयर वर मिलियंस ऑफ जॉब्स रिलेटेड टू द मेन मोड ऑफ लोकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डे, द हॉर्स ड्रॉन कैरिज। मतलब 100 साल पहले जैसे हाथ से चलाने वाली घोड़ा गाड़ी चलती थी और ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे मोड्स थे। ऑल ऑफ दोज जॉब्स, बिल्डिंग कैरिजेस, मैन्युफैक्चरिंग बगी विप्स, रेजिंग हॉर्सेस एंड स्कूपिंग अप देयर एक्सक्रीमेंट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स, अगेन प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजी हैव ऑल बट का मतलब है ऑलमोस्ट इलिमिनेटेड दो जॉब्स। मतलब प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजी की वजह से ऑटोमेशन आया है और ऑटोमेशन की वजह से ये जो जॉब्स थे, जैसे आपने तांगा देखा होगा, घोड़ा गाड़ी देखी होगी, इस तरह की चीज़ें जो थी, ये जॉब सारे ख़त्म हो गए हैं। अगेन प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजी हैव ऑल बट, मतलब ऑलमोस्ट इलिमिनेटेड दो जॉब्स, इन जॉब्स को इलिमिनेट कर दिया है। तो जो लोग ये काम करते थे, कैरेज या घोड़ा गाड़ी चलाते थे या इस तरह के जॉब्स में जो इन्वॉल्व थे, वो सारे लोग बेरोजगार हो गए। यानी इसका मतलब ये निकल रहा है कि ऑटोमेशन जो है ये हार्मफुल है, तो ये काफ़ी क्लोज है। दूसरा देखते हैं, द कंसर्न इज दैट वी आर नॉट अपडेटिंग आर एजुकेशन ट्रेनिंग एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन टू कीप अप विद द करेंट स्टैंडर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, इसमें हम ये बोल रहे हैं कि हम अपनी एजुकेशन को, अपनी ट्रेनिंग को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं ताकि वो इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म के साथ मैचअप हो सके। तो इसमें तो हम टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही इसमें बात हो रही है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, मोस्ट जॉब्स दैट वी विल सी बीइंग ऑटोमेटेड रिक्वायर डिफरेंट स्किल सेट्स फ्रॉम दोज बीइंग क्रिएटेड। मतलब जिन जॉब्स को हम क्रिएट कर रहे हैं और जिन जॉब्स को ऑटोमेट किया जा रहा है, उनके लिए अलग अलग स्किल सेट चाहिए। ठीक है, एक जॉब है जिसको क्रिएट किया गया लेकिन बाद में उसको ऐसा कर दिया गया कि वहाँ पर आपको कंप्यूटर आना चाहिए या वहाँ पर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आना चाहिए। तो जिस व्यक्ति को ये जॉब दिया गया था वो कैसा हो गया, वो स्किल लेस हो गया, वो आउट ऑफ जॉब हो गया, क्योंकि वो उस जॉब को अब कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, द की चैलेंज विल बी टू मेक श्योर दैट दोज हु एक्सपीरियंस डिस्प्लेसमेंट, उस व्यक्ति को डिस्प्लेस कर दिया गया उस जॉब से, क्योंकि जो ऑटोमेटिक जॉब था उसमें एक अलग स्किल सेट की ज़रूरत थी। यानी ऑटोमेशन से काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ये जो पैराग्राफ है काफ़ी क्लोज है और ये पैराग्राफ है ये काफ़ी क्लोज है, थर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। यानी फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर आपके आंसर होंगे, फर्स्ट और थर्ड किस में दिए हैं, सेकंड में, तो सेकंड यहाँ पर आंसर आपका होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरीके से फास्ट रीडिंग करना है आपको और फास्ट रीडिंग के बेस पर आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा क्लोज है। फास्ट रीडिंग करना है, फोकस रखना है, फोकस के साथ पढ़ना है और लॉजिकल रीजनिंग को आपको अप्लाई करना है। यहां पर देखते हैं हम, हाइपर नेशनलिज्म डज नॉट हेल्प। इसका मतलब क्या है, देखिए एक तो होती है, हम सभी लोग अपने देश से प्यार करते हैं, देश प्रेमी होते हैं। ठीक है, तो हाइपर नेशनलिज्म का मतलब है कि अति राष्ट्रवादी का मतलब ये है कि केवल हम अपने देश को ही सही और अच्छा और सुपीरियर मान रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ को, बाकी दूसरी फिलॉसफीज़ को हम गलत मान रहे हैं, भले ही वो रैशनल हो। तो हाइपर नेशनलिज्म डज नॉट हेल्प, ये ठीक है। अब हाइपर नेशनलिज्म डज नॉट हेल्प, ऐसा क्यों होता है, ये हेल्प क्यों नहीं करती, ये सही क्यों नहीं है, इसका रीज़न जिस पैराग्राफ में होगा वो पैराग्राफ इस इन्फ्रेंस के काफ़ी क्लोज होगा। द
द अबाइडिंग पर्पज ऑफ एवरी नेशनलिस्ट इज टू सिक्योर मोर पावर एंड मोर प्रेस्टीज नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द नेशन और अदर यूनिट इन विच ही हैज चोजन टू सिंक हिज ओन इंडिविजुअलिटी। इसमें हम पर्पज बता रहे हैं, एक नेशनलिस्ट जो होता है उसका पर्पज क्या है वो हम बता रहे हैं इसमें, ठीक है। डिवोशन टू ए पर्टिकुलर कॉज एंड ए पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ, एक पर्टिकुलर कॉज के लिए डिवोशन या एक पर्टिकुलर तरीके के लिए, एक पर्टिकुलर तरीके से लाइफ जीने के लिए जो डिवोशन है उसके बारे में इसमें बात हो रही है। तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अब देखिए इसमें देखिए, ओवर और एक्सेसिव एग्जेजरेशन ऑफ नेशनलिज्म एंड पीपल हु प्रोफेस देमसेल्व टू बी नेशनलिस्ट बिकम हाइपर एक्टिव एंड यूजुअली एनर्जेटिक। ये एकदम क्लोज है, ये एकदम क्लोज क्यों है, क्योंकि इसमें रीजन बता रहे हैं कि हाइपर नेशनलिस्टिक होने के बैड इफेक्ट क्या हैं। यदि आप हाइपर नेशनलिस्टिक हैं, मतलब यदि आप इंडिया को ही सही मानते हैं, यदि आप इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ को गलत मानते हैं, तो आप कैसे हो जाएंगे, हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, अनयूजुअली एनर्जेटिक हो जाएंगे, आप अपने पॉइंट को पुश करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें इसके बैड इफेक्ट बताए हैं कि हाइपर नेशनलिज्म के बैड इफेक्ट क्या हैं, इसलिए वो चीज़ सही नहीं है। तो ये जो पैराग्राफ है, दिस इज द मोस्ट क्लोज और क्लोजेस्ट टू दिस इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आ जाएंगे क्वेश्चन, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बनने लगेंगे आपसे। तो थर्ड इसमें आपका इसमें सही है, ये एक्चुअली क्लोज नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, नीड फॉर एन इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर ऑल, मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसी सोसाइटी को क्रिएट करने की जरूरत है जिसमें सभी के लिए स्थान हो, सभी के लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज़ हों, चाहे वो किसी भी कास्ट या क्रीड के हों, चाहे वो किसी भी कलर के हों, चाहे वो हैंडीकैप्ड हों, उन सभी के लिए एक इंक्लूसिव सोसाइटी को क्रिएट करने की ज़रूरत है, ये इसमें बात हो रही है, ठीक है। तो ये ज़रूरत क्यों है, नीड फॉर एन इंक्लूसिव सोसाइटी क्यों है, तो यहाँ पर जिस पैराग्राफ में ये रीजन्स बताए होंगे वो पैराग्राफ इसके काफ़ी क्लोज होगा। देयर इज़ ए प्रेसिंग नीड टू डेवलप सोसाइटी दैट एम्ब्रेस डाइवर्सिटी and pluralism in the face of the many deep structural inequality। देखिए ये रीज़न बताया है यहाँ पर, क्योंकि हमारी सोसाइटी में काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटी हैं, तो उसकी वजह से डिस्प्यूट क्रिएट होता है, भेदभाव क्रिएट होते हैं। जैसे रिजर्वेशन का तो आपने सुना ही होगा या पढ़ते ही रहते होंगे कि रिजर्वेशन की वजह से कितने लड़ाई झगड़े, कितने डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये एक रीज़न है, मैनी डीप स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटी, इसलिए हमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी की ज़रूरत है, ये काफ़ी क्लोज है इसके। ओवरकमिंग एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मतलब कुछ लोगों को इंक्लूड नहीं करना, कुछ लोगों को ग्रुप में इंक्लूड नहीं करना, तो एक्सक्लूजन से हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। ओवरकमिंग एक्सक्लूजन रिक्वायर्स एक्सेसिबल एंड इफेक्टिव रेमेडीज टू इनेबल राइट्स विंडिकेशन। देखिए यहाँ पर एक रीज़न बताया है कि राइट विंडिकेशन, राइट्स जस्टिफिकेशन के लिए एक्सक्लूजन से ओवरकम करना ज़रूरी है, सभी को बराबर राइट्स मिलने चाहिए ताकि भेदभाव क्रिएट ना हो। सच रेमेडीज नीड टू बी अप्रोप्रिएटली अडेप्टेड टू टेक अकाउंट ऑफ स्पेशल वल्नरेबिलिटी ऑफ सर्टेन ग्रुप्स। कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, गरीब तबका है, छोटा तबका है, जिनकी इनकम नहीं है, ठीक है, उन लोगों के साथ भेदभाव होता है सोसाइटी में, तो इसकी इसमें बात हो रही है, तो ये भी काफ़ी क्लोज है। एक्सक्लूजन ऑफ एनी टाइप डिसकनेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम सोशल रिलेशंस, इसमें भी एक अच्छा रीज़न बताया है कि यदि हम कुछ तबकों को, कुछ ग्रुप्स को एक्सक्लूड करते हैं तो वो इन लोगों को डिसकनेक्ट कर देता है, उन इंडिविजुअल्स को डिसकनेक्ट कर देता है सोशल रिलेशंस से, तो इसमें भी वही सेम चीज़ बताई है। तो ये तीनों ही पैराग्राफ से इस कंक्लूजन को निकाला जा सकता है, तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस मे नॉट बी ए फार फेस्ट आइडिया नाउ। सबसे पहले तो आपको इन्फ्लुएंस में जो सेंटेंस लिखा है उसके मीनिंग को समझना जरूरी है। इसका मीनिंग यह है कि हमारा जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, उसको वेपनाइजेशन किया जा रहा है, उसमें वहाँ पर काफ़ी सारे सैटेलाइट, काफ़ी सारे वेपन्स वहाँ पर लगाए जा रहे हैं और सारी कंट्रीज स्पेस को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। तो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस मे नॉट बी ए फार फेस्ट आइडिया नाउ, मतलब पूरा स्पेस एक दिन वेपनाइज्ड हो जाएगा, काफ़ी सारे वेपनाइज्ड वहाँ पर होंगे,
तो इस ये जो पॉसिबिलिटी है ये काफ़ी काफ़ी नज़दीक है, ये फार फेच नहीं है, ये एक दूर का सपना नहीं है, ये रियलिटी बन सकती है। ठीक है, अब इसके सपोर्ट में जो पैराग्राफ होगा वो इसके सबसे ज़्यादा क्लोज होगा। देखिए, आउटर स्पेस इज़ एन एनवायरनमेंट दैट हैज़ लॉन्ग फैसिनेटेड मैनकाइंड। आउटर स्पेस एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसने काफ़ी लंबे समय से ह्यूमन काइंड को फैसिनेट किया है। हु हैव फ्रॉम द डॉन ऑफ टाइम, मतलब टाइम की शुरुआत से, ट्राई टू इंटरप्रेट इट्स सिग्निफिकेंस फॉर अस मॉर्टल्स डाउन बिलो। द रिसेंट ईयर्स हैव सीन नॉट ओनली साइंटिफिक एंड एस्ट्रोनॉमिकल सक्सेस इन इन्वेस्टिगेटिंग आउटर स्पेस, बट ऑल्सो ए रिमार्केबल ग्रोथ। यहाँ पर देखिए, इस पैराग्राफ को पढ़ने से एक आइडिया लग रहा है कि काफ़ी लोग, काफ़ी सारे कंट्रीज को एस्ट्रोनॉमिकल सक्सेस मिल रही है, काफ़ी सारी कंट्रीज मंगल पर और सूरज पर यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और आउटर स्पेस को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एकदम क्लोज है इसके। नेक्स्ट हम देखते हैं, टुडे इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देर आर सम 1000 सैटेलाइट इन ऑपरेशन। 1000 सैटेलाइट ऑपरेशन में हैं, इसका मतलब ये है कि स्पेस को वेपनाइज किया जा सकता है, तो ये भी काफ़ी क्लोज है इसके। इवन एज स्पेस हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड एक्सटेंसिवली फॉर पीसफुल एंड कमर्शियल पर्पजेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल अक्रॉस द ग्लोब, द मिलिट्री प्लानर्स ऑन द अदर हैंड आर फोकस्ड ऑन मिलिट्राइजेशन एंड वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस टू इस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी। मतलब मिलिट्री जो पावर हैं अलग अलग कंट्री की, वो भी स्पेस को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं। तो इसलिए अगर स्पेस वेपनाइज हो जाता है आने वाले टाइम में, तो ये फार फेच नहीं होगा, ये एक रियलिटी होगी। तो इसमें भी वही चीज़ बोली गई है, इसमें भी वही चीज़ बोली गई है, इसमें भी वही चीज़ बोली गई है। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। इन तीनों ही पैराग्राफ से इसको इसको इन्फर किया जा सकता है। ठीक है, डाइवर्सिटी इन ऑस्कर्स, ऑस्कर्स अवार्ड जो होते हैं हॉलीवुड में, उसमें डाइवर्सिटी की इसमें बात हो रही है, उसमें उसमें सारे ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। द नंबर ऑफ वीमेन एंड पीपल ऑफ कलर इन द रोल ऑफ लीड एंड को लीड हैज़ रिजन ओवर द लास्ट 2 ईयर्स, स्टिल द फिल्म इंडस्ट्री हैज़ येट टू अचीव पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है सिमिलरिटी। ठीक है, स्पेशली फॉर पीपल ऑफ कलर हुज रिप्रेजेंटेशन इज 11%। तो इसमें डाइवर्सिटी की बात हो रही है, और रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा वर्ड है जो जो डाइवर्सिटी के काफ़ी क्लोज है, कि सभी ग्रुप्स को रिप्रेजेंट आपको करना चाहिए, ये काफ़ी क्लोज है। इट इज़ क्रिटिकल दैट पीपल सी देमसेल्फ मिरर्ड इन पॉपुलर कल्चर, आइडेंटिटी कैन बी फॉर्म्ड बाय वॉचिंग फिल्म, टेलीविजन, थिएटर एंड स्पोर्ट्स। इसमें हम ये बता रहे हैं कि फिल्म्स का, टेलीविज़न का, थिएटर का लोगों की शख्सियत पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लोगों की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, तो इस ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पर हम देखते हैं, इट इज़ आर्ग्यू डेट कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, इसमें भी कल्चरल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड आपका काफ़ी क्लोज है, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये जरूरी नहीं है कि इस तरह के सेंटेंसेस में आप पूरा सेंटेंस पढ़ें, सारे वर्ड मीनिंग्स के मीनिंग निकालें, ये जरूरी नहीं है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ती जाएगी और ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस की, तो आपको आइडिया लग जाएगा और इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई प्राइवेटाइजेशन स्टैंड आउट। देखिए, इसमें क्या बताया है कि प्राइवेटाइजेशन जो है ज़्यादातर सेक्टर्स का, जैसे प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है कि पूरी पूरा इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेट किया जाए, ठीक है, रेलवे को प्राइवेट किया जाए, तो प्राइवेटाइजेशन स्टैंड आउट क्यों होता है, अलग अलग वो उसकी एक अलग इमेज क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के ये रीज़न बताए जाएंगे कि कहाँ पर प्राइवेटाइजेशन स्टैंड आउट क्यों होता है, वो पैराग्राफ काफ़ी नज़दीक होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बताया है, प्राइवेटाइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीक्ड आउट सॉल्यूशन बाय द गवर्नमेंट फॉर लॉस मेकिंग PSU। गवर्नमेंट इज ईदर सेलिंग इट्स शेयर और कंप्लीटली शटिंग देम डाउन। इन प्रेजेंट सिनारियो वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ए बिग टास्क ऑफ रिड्यूसिंग देयर फिस्कल डेफिसिट। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो PSUs होते हैं, यदि वो लॉस में चल रहे हैं तो उनको प्राइवेट किया जा सकता है। प्राइवेटाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीक्ड आउट सॉल्यूशन, मतलब ये एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। यानी यहाँ पर रीजन की बात नहीं की है कि प्राइवेटाइजेशन एक अच्छा सॉल्यूशन क्यों हो सकता है,
यहाँ पर ये तो बात की है कि पीएसयू को प्राइवेटाइजेशन में चेंज, प्राइवेट सेक्टर में चेंज किया जा सकता है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर स्टैंड आउट क्यों होता है ये इसमें बात नहीं की गई है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए, एम्प्लॉयज इन प्राइवेट कंपनी हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर देम एंड आर अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क। इसमें ये बात की गई है कि प्राइवेट सेक्टर अच्छा परफॉर्म क्यों करता है, क्योंकि एम्प्लॉयज उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिस्पॉन्सिबल वो इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, उनको लगता है कि वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो ये काफ़ी क्लोज है ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पीएसयूज आर ट्रीटेड एज ज्वेल्स ऑफ नेशन, अ कॉशस अप्रोच इज नीडेड इन प्राइवेटाइजेशन। मतलब जब आप पीएसयू को प्राइवेटाइजेशन में चेंज करें, पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेट सेक्टर यूनिट में चेंज करें, तो उसके लिए एक कॉशस अप्रोच की ज़रूरत है, आपको एक सावधान होने की ज़रूरत है। आप सारे पीएसयूज को प्राइवेट सेक्टर में चेंज नहीं कर सकते, ये इसमें बात हो रही है। तो ये एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट में तो है, लेकिन ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है, ये भी क्लोजली रिलेटेड नहीं है फर्स्ट वाला। सेकंड क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर स्टैंड आउट क्यों करता है इसमें हमने क्लियर रीजन इसका बताया है। ठीक है, तो आपको क्लोजली रिलेटेड पैरा को सेलेक्ट करना है, जो रिमोटली रिलेटेड हैं वो इसके आंसर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर केवल सेकंड ही आपका आंसर है, यहाँ पर आपका सॉरी, यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में सेकंड दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। और क्वेश्चन देखते हैं, नो नो प्लेस फॉर कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है फांसी की सजा। तो एक सिविलाइज सोसाइटी में, एक अच्छी सभ्य सोसाइटी में कैपिटल पनिशमेंट के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है। अब इस इन्फेरेंस को सपोर्ट कौन सा पैराग्राफ कर रहा है, वो सपोर्टिंग पैराग्राफ जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, देर इज नो क्रेडिबल एविडेंस दैट द डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सजा या डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी डिटर्स क्राइम। देखिए यहाँ पर ये बताया है, इसके सपोर्ट में यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी क्रेडिबल एविडेंस नहीं है, कोई भी विश्वसनीय जिस पर हम विश्वास कर सकें, क्रेडिबल मतलब बिलीवेबल, कोई भी बिलीवेबल एविडेंस ऐसा नहीं है जिससे ये पता पड़ता है कि डेथ पेनल्टी डिटर्स क्राइम, कि यदि किसी व्यक्ति को आपने फांसी की सजा दे दी तो उससे क्राइम रुक जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, यानी ये जो पैराग्राफ है ये फुल्ली सपोर्ट कर रहा है इसको, इस इन्फेरेंस को, तो ये एकदम सही है। सेकंड देखते हैं, एग्जीक्यूशंस आर ऑफन अंडरटेकन, एग्जीक्यूशन मतलब जो फांसी की सजा दी जाती है उसको हम एग्जीक्यूशन बोलते हैं। एग्जीक्यूशंस आर ऑफन अंडरटेकन इन एन एक्सट्रीमली पब्लिक मैनर विद पब्लिक हैंगिंग इन ईरान एंड लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ लीथल इंजेक्शन इन द यूएस। अकॉर्डिंग टू द यूएन ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स, एग्जीक्यूशंस इन पब्लिक सर्व नो लेजिटिमेट पर्पज। मतलब जब हम पब्लिक को, जब हम किसी क्रिमिनल को फांसी की सजा पब्लिक में देते हैं तो उससे कोई लेजिटिमेट पर्पज नहीं निकलता, और एंड ओनली इंक्रीज द क्रूअल इन ह्यूमन एंड डिग्रेडिंग नेचर ऑफ दिस पनिशमेंट। ये पनिशमेंट कैसा है, क्रूअल है, इन ह्यूमन है और डिग्रेडिंग है। ठीक है, यानी ये जो पैराग्राफ है ये फुल्ली सपोर्ट कर रहा है इस इन्फेरेंस को, ये भी सपोर्ट कर रहा है, ये भी सपोर्ट कर रहा है। ये देखते हैं, एंड एंड एज समवन हैज राइटली रिमार्क, किसी ने सही कहा है कि वाई किल टू शो दैट किलिंग इज रॉन्ग, ये बताने के लिए। देखिए उस व्यक्ति को हम सजा दे रहे हैं ये बताने के लिए कि किलिंग इज रॉन्ग, तो किलिंग इज रॉन्ग को बताने के लिए हम उसको किल क्यों कर रहे हैं, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि किलिंग इज रॉन्ग और दूसरी तरफ आप किल कर रहे हो, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। ठीक है, तो ये पैरा भी पूरी तरह इसको सपोर्ट कर रहा है, यानी यहां पर आपका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ऑल्टरनेटिव्स टू फार्म लोन वेवर्स। मतलब जैसे आपने सुना होगा कि किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, काफी करोड़ों के कर्ज रहते हैं उनके, उनको माफ कर दिया जाता है, फार्म लोन वेवर उसी को हम बोलते हैं, तो उससे लेकिन गवर्नमेंट का काफी सारा पैसे का नुकसान होता है, करोड़ों अरबों रुपए का गवर्नमेंट का नुकसान होता है उससे, तो उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, उसके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, ये इसमें बात की गई है। सच ह्यूज सम ऑफ मनी स्पेंट ओवर लोन वेवर कैन बी यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट दैट वी लैग फार बिहाइंड। मतलब ये जो हम सब्सिडी देते हैं, ये जो हम फार्म लोन वेवर देते हैं,
इसमें गवर्नमेंट का काफ़ी लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है, इससे इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में लगा सकते हैं, ठीक है। वाइड कवरेज ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, हम क्रॉप इंश्योरेंस कर सकते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है फार्म लोन वीवर का। जैसे किसान ने लोन लिया और उसकी फसल खराब हो गई, ठीक है, तो इसीलिए तो हम फार्म लोन वीवर को अप्लाई करते हैं। लेकिन यदि आप क्रॉप इंश्योरेंस कर देंगे तो आपको फार्म लोन वीवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये काफ़ी सही है इसमें। दूसरा देखते हैं, लोन वेवर्स अफेक्ट ओनली ओनली बैंक लोन्स, लीविंग असाइड द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज दैट ऑल्सो, नहीं इसमें ऑल्टरनेटिव की बात नहीं हो रही है। स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन एंड इंश्योरिंग एवरी सब्सिडी दैट एक्सचेकर पेज फॉर रीचेज फार्मर्स इंस्टेड ऑफ द मिडिल मैन विल लीड टू लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ओवर फार्मर वेलफेयर, नहीं इसमें भी बात नहीं हो रही है। इसमें ये बात हो रही है कि जो बीच में जो मिडिल मैन होते हैं उनको हटाया जाए और फार्मर की फसल डायरेक्ट गवर्नमेंट खरीदे, तो इसमें उनको ज़्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑल्टरनेटिव की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये है क्लोजली रिलेटेड, इसमें आंसर होगा आपका केबल फर्स्ट, यानी थर्ड इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, डिसिप्लिन और एल्स पेरिश, मतलब या तो आप अनुशासन को अपनाओ या फिर बर्बाद हो जाओ। पेरिश का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, ठीक है। तो टेम्पटेशन एंड डिस्ट्रैक्शन आर पार्ट ऑफ लाइफ एंड दे मस्ट बी वैंक्विश्ड इन ऑर्डर टू मूव अहेड, और एल्स दे इन टर्न वुड वैंक्विश द ट्रेवलर। मतलब जो टेम्पटेशंस होते हैं, जो लालच होते हैं और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, वो आप उसको आपको वैंक्विश करना पड़ेगा, उसको आपको हराना पड़ेगा, नहीं तो आप लाइफ में तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये इसका सारांश है, जो कि काफ़ी हद तक क्लोज है इसके, ठीक है। यदि आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आप टेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें काफ़ी काफ़ी अच्छा ये पैराग्राफ है, ये काफ़ी क्लोज है। डिसिप्लिन हैड बीन द कॉज बिहाइंड द विक्ट्री ऑफ द फेम्ड एंड वाइल द एनोनिमस पेरिस्ट एंड सकम टू ऑब्लिवियन ड्यू टू लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड रेगुलेशन। इसमें भी वही बात हो रही है कि जो फेमस लोग हैं और जो काफ़ी सारे एनोनिमस लोग हैं, जिनको जिनकी ज़िंदगी बेकार हो गई या जिन्होंने जिनको असफलताएं मिली बहुत सारी और वो ऑब्लिवियन में खो गए, उसका रीज़न ये था कि उन्होंने डिसिप्लिन को अप्लाई नहीं किया। ये भी काफ़ी क्लोज है, ये क्लोज है और ये क्लोज है। इन द वर्ल्ड ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बी इट एकेडमिक्स और एम्प्लॉयमेंट, एक क्लियर कॉन्सेंस, ठीक है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में आपका आपको जरूरी है कि एक क्लियर कॉन्सेंस होने की, आपकी अंतरात्मा जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, वो ही आपको बचा सकती है। तो इसमें कुछ अलग बात हो रही है, इसमें कॉन्सेंस की बात हो रही है। फर्स्ट और सेकंड में इसमें ये बात हो रही है कि या तो आप डिसिप्लिन को अप्लाई करिए, नहीं तो आप पेरिश करेंगे, ठीक है, असफलता आपको मिलेगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें सही है, तो इसका आंसर होगा सेकंड, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको आएगा, उतना ज़्यादा आपका डर जो है इंग्लिश क्वेश्चंस को करने का वो दूर भागेगा। और इंग्लिश के क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करना है, जैसे प्री एग्ज़ाम में मैं सजेस्ट करूँगा कि 30 में से 25 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है कम से कम। अटैम्प्ट करने से आपको डरना नहीं है लेकिन अटैम्प्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंड रिस्क लें, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, प्री में कम से कम 25 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें से 25 में से नेगेटिव मार्किंग यदि आप हटा देते हैं तो 20 से 22 मार्क्स आपके आ सकते हैं, और इसमें आपका सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही निकल सकता है। तो कहने का पर्पज़ ये है कि प्री और मेंस दोनों ही में आपको आपको अटैम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना है और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए फास्ट रीडिंग जरूरी है, फोकस जरूरी है और लॉजिकल रीजनिंग को आपको अप्लाई करना होता है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने इस वीडियो क्लास में। कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर और इन ईमेल आईडीज़ पर आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।